हैं अपडेट मीडिया 24x7। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। 23 दिसंबर तक सत्यापित करेगा बाट माप विभाग व्यापारियों के तराजू। चरखारी के व्यापारियों के अनुरोध पर बाट माप विभाग के अधिकारी चरण सिंह महान की अध्यक्षता में आज चरखारी में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि सभी लोग अपने बाट और तराजू में विभागीय मानक के अनुरूप मोहर लगवा लें, जिससे आगे बाट माप विभाग को किसी के ऊपर भी कार्यवाही ना करनी पड़े। व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री आनंद ने कहा कि जिन व्यापारियों के बाट माप में मोहर नहीं लग पाई थी और जिनके विभागीय चालान काटे गए थे, वे लोग बाट माप विभाग के अधिकारी के सामने उपस्थित होकर कैंप में अपना अपना जुर्माना अदा कर दें, जिससे व्यापारी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ना ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। पिछले दिनों बाट माप विभाग चरखारी में व्यापारियों पर कार्यवाही करते हुए दर्जनों चालान काटे, जिसका निस्तारण आज कैंप के माध्यम से करवा सकते हैं। सदाज क्या कैंप, कौन सा कैंप लगाया गया है यहाँ पर? ये बाट माप एवं विधि नियंत्रक विभाग के द्वारा जी जो कांटे और बाट मीटर में मोहरें लगाई जाती हैं, उसके लिए कैंप का आयोजन किया गया है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत दिन से लोग लेट हो रहे थे और वो नहीं लगवा पा रहे थे, ऑफिस में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए अगर व्यापारी जाता भी था तो कभी ये उपलब्ध नहीं मिलते थे। अच्छा, इसलिए हमने निवेदन किया था, निवेदन को स्वीकार करते हुए बाट माप द्वारा कैंप 10 दिनों का लगाया गया है। 15 तारीख से शुरू हुआ है और 23 तारीख तक 9 दिन के लिए व्यवस्था रहेगी। जो भी व्यापारी जिनके भी वो न लगे हों, वो अपना जो है आकर के वो लगवा लें, जो भी इनका विलम्ब शुल्क है उसकी रसीद इनको मिलेगी, तो वो रसीद इनकी बाद में मिल जाएगी। अच्छा सर, जो ये मोहर वाला सिस्टम है तो क्या ये प्रतिवर्ष चलता है या फिर आपके? इसमें जो पहले चलते थे मैनुअल कांटे जी, इसमें बाट से तोला जाता था, तो उसमें गवर्नमेंट ने 2 वर्ष कर दिया जी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे हैं उनके लिए 1 वर्ष ही निर्धारित है, हर वर्ष मोहर लगती है और ये अनिवार्य है लोगों को अपनी मोहर लगवाना। और जिन जिन लोगों के चालान हुए थे जी, उनके लिए आज साहब बैठे हुए हैं, तो हमने बुलाया था उनको कि महोबा ना भागना पड़े चालान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जी, तो वो यहीं पर बैठे हैं आज, यहीं उनकी रसीदें बन जाएंगी जिन धारा के अंतर्गत भी उनका चालान हुआ था, उनको महोबा नहीं जाना पड़ेगा, वो अपनी विधिक कार्यवाही यहीं पूर्ण करा सकते हैं। अपडेट मीडिया के लिए चरखारी से संदीप कुमार की रिपोर्ट।